अच्छे होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गेट रेडी फॉर नेक्स्ट डिस्कशन. हम बात कर रहे थे बेटा ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के निर्माण की, कि उसकी उत्पत्ति या निर्माण जो निर्माण जो है वो कैसे हुआ था. हमने उसमें दो थ्योरीज ली थी बेटा, एक आपकी अर्ली थ्योरीज और दूसरा आपका मॉडर्न थ्योरीज. अर्ली थ्योरीज को थोड़ा सा ब्रीफ में फिर कर लेते हैं. हमने उसमें ये किया था कि आपके एक तरफ थे कांट और लाप्लास, मतलब इमैनुअल कांट और जो लाप्लास थे, इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसके अंदर इन्होंने माना कि सूर्य जो एक तारा था उसी से आपके डिफरेंट प्लैनेट्स या उनके सैटेलाइट्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई है, निर्माण हुआ है. ठीक है ना, वो तेज रोटेट कर रहा था और रोटेट करने के कारण क्या उससे एक रिंग जो है या वलय या छल्ला अलग हुआ और उससे आपके डिफरेंट प्लैनेट्स बने. दूसरी तरफ आपके चैम्बरलिन या आपके जींस या जाफरेस थे या मोल्टन थे, जिन्होंने ये माना कि सन और सन के साथ में एक और तारा नज़दीक आता है और जो दूसरा तारा आता है उसके नज़दीक आने के कारण उसकी सन की भी और उसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, जिसके कारण रोटेशन है वो तेज़ होता है सन का. ठीक है ना, और उसमें से भी क्या उसका एक पार्ट तस्तरे के रूप में अलग होता है और आपके डिफरेंट प्लैनेट्स बनते हैं, मतलब जिसमें दो तारे थे सन और सन के साथ में एक नज़दीक तारा सूर्य से भी बड़ा वो उसके पास आता है. लाप्लास कांत के अकॉर्डिंग एक तारा था सन, उसी से आपके प्लैनेट्स बने. इन दोनों भी तरह की जो थ्योरी, मतलब एक तारा या फिर जो दो तारे वाली है, इनमें ये माना गया कि सन जो है उसी के पार्ट्स हैं आपके प्लैनेट्स या फिर उनके सैटेलाइट्स, मतलब ग्रह, और आपके उपग्रह जो है वो सूर्य के ही हिस्से या उसी के भाग है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं. अब हमें लेना है कि मॉडर्न थ्योरी, जिसे हम कह रहे हैं आधुनिक सिद्धांत, जिस पर हम यकीन करते हैं कि इसकी रचना जो है पृथ्वी या आपका जो सौर मंडल है उसकी उत्पत्ति है वो या ओरिजिन कैसे हुआ है. तो देखिए आपकी बिग बैंग थ्योरी या इसे महाविस्फोटन सिद्धांत भी कहा जाता है, ये आपकी 13.7 मिलियन ईयर्स है वो, मतलब 13.7 मिलियन जो वर्ष है उनसे उससे पहले की है. स्टार्टिंग के अंदर आपका जो पूरा मैटर है, जो पदार्थ है, जैसे हमने उसमें किया था आपका प्री मोडियल जो मैटर था, आदि पदार्थ जो था, ठीक है ना, वो घूम रहा था. तो यहाँ पर आपका पूरा जो मैटर है वो एक जगह पर एक स्थान पर है, ठीक है ना, जिसे केंद्र बिंदु कहते हैं, सिंगुलैरिटी. सपोज जैसे कि आपका ये यहाँ पर है, ये सिंगुलैरिटी आपका एक पॉइंट है. इसी पॉइंट के अंदर आपकी पूरी, जिसे आज हम यूनिवर्स कह रहे हैं, तो उसके जितने भी मैटर्स उन सबकी एनर्जी जो है या ऊर्जा जो है वो इसके अंदर है, जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर और डेंसिटी है, मतलब अनंत जिसका घनत्व और अनंत तापमान, मतलब हम अंदाजा नहीं लगा सकते इतना उसका टेम्परेचर था. और ये सारा क्या उस एक ही केंद्र बिंदु या उस एक सिंगुलर जो पॉइंट है, ठीक है ना, उसके अंदर है, ये आपका सिंगुलरिटी था. ठीक है, जिसे टीनी बोल भी कहा गया, छोटा बिंदु. और ये जो छोटी बोल या जो छोटा बिंदु था, इसके अंदर बहुत तेज एक्सप्लोजन हुआ, विखंडन, सॉरी महाविस्फोटन हुआ, जिसके कारण बेटा होने के विस्फोटन होने के कारण इसका जो टेम्परेचर, मतलब इसमें से कुछ पार्ट्स हैं वो निकल कर अलग चले गए मैटर के, और जब वो फैल गए अलग अलग जगह चले गए, तो उसके कारण टेम्परेचर जो है वो उसका कम हो गया. जब एक जगह था तब ताकत ज़्यादा थी, वो सिमटा हुआ था, ठीक है ना, लेकिन एक जगह से जब वो अंतरिक्ष में कई जगह फैल गया है, तो फैल जाने के कारण क्या हो गया, आपका उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया, वो घट जाता है, तो उसका तापमान है वो घट गया, जिसने कि एटॉमिक मैटर्स आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन या जो भी आपके एटम्स हैं इन सबका उससे निर्माण हुआ, ऐसे पदार्थ जो है वो अस्तित्व के अंदर आए. तो उसके बाद आपका यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, और ये बहुत सारे छल्ले के रूप में ऐसे, ठीक है, कि आपके ये क्या है गैलेक्सीज, मतलब डिफरेंट जो स्टार्स उससे जो अलग मैटर के रूप में अलग गए, वो डिफरेंट स्टार्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करने लगे. क्यों, क्योंकि सारे कहाँ से, इसी सिंगुलरिटी से या इसी केंद्र बिंदु से, टिन्नी बॉल से वो निकले हैं, इसलिए वो वापस फिर पास आना चाहते थे, अलग अलग दूर दूर रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनके अंदर क्या हुआ अट्रैक्शन हुआ, वो पास आए और उनका एक झुरमुट क्लम्स बन गया, ठीक है ना, जिसे गैलेक्सी कहा गया, आकाशगंगा. और जिसे हम ब्रह्मांड या जो स्पेस कह रहे हैं, जो जगह है, वो आपका क्या होता है, कोई भी जो दो तारे हैं उनके बीच का स्पेस, वो जगह है. पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपका ये एक था, और जब ऐसे ही आपकी गैलेक्सी जो है वो ऐसे अंतरिक्ष में बहुत सारे हैं, अनंत है, ठीक है ना, जिस एक के अंदर हम रहते हैं, जिसमें हमारा सौर मंडल या और भी आपके छोटे छोटे बहुत सारे आते हैं, तो आपकी इस सिंगुलरिटी से और लास्ट स्टेज तक आया, तो इसमें क्या हुआ, धीरे 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 ये फैलना शुरू हुआ, एक्सप्लोजन के साथ साथ एक्सपेंशन भी हुआ, विस्फोटन के साथ साथ उसका फैलाव या उसका विस्तार भी शुरू हुआ, जिसके कारण आपका वो पारदर्शी बन गया, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं. ये बिग बैंग थ्योरी जो है, इससे हमें ये तो पता चलता है कि कोई भी चीज़ दूर जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो कभी एक साथ थी, वो कभी पास थी, ठीक है. तो इससे आपके निर्माण हुआ किसका, यूनिवर्स का. अब हमें देखना है कि स्टार फॉर्मेशन
या जो तारों का निर्माण है वो कैसे ले रहे हैं बेटा, स्टार फॉर्मेशन, तारों का निर्माण। जैसे हमने पहले किया था कि आपके यूनिवर्स जो है उसके अंदर सारी जो मैटर या जो एनर्जी है वो एक सिंगुलर पॉइंट पर होता है, सिंगुलरिटी या केंद्रीय बिंदु जिसे हमने कहा था, जो आपकी महाशक्ति का केंद्र था। अब हम देख रहे हैं तारों का। देखिए स्टार फॉर्मेशन में सबसे पहले मैटर एनर्जी वर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आपका जो पदार्थ है या जो ऊर्जा है वो असमान रूप से वितरित थी, ठीक है ना। स्पेस में जो आपके अलग अलग जगह वो फैल गए थे जब आपके वो एनर्जी, तो वो अलग अलग जगह असमान, कहीं ज़्यादा और कहीं पर कम है। इसलिए मैटर गोट ग्रोन टुगेदर, वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे, खींचने लगे, किसके लिए, फॉर्म गैलेक्सीज। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से ही अलग हुए थे और हमने बात की थी कि अब वो अलग अलग हैं तो वो फिर से पास आना चाहते हैं, ठीक है ना, फिर से मिलना चाहते हैं। वैसे ही जैसे परिवार के सदस्य हैं वो किसी कारणवश अगर अलग हो भी जाते हैं तो भी फंक्शंस में या वैसे इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ पर इनमें भी वो अट्रैक्शन था कि फिर से एक साथ जुटें या एक साथ शुरू हों। तो जो वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो मैटर या जो आपके असमान रूप से वितरित पदार्थ थे वो एक दूसरे के पास आना चाहते थे, ठीक है। तो वहाँ पर वही है कि वो एक दूसरे के नज़दीक आए। गैलेक्सीज यहाँ पर आपको बेटा होता है हाइड्रोजन, एकुमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस क्लाउड, ऐसा बादल हाइड्रोजन गैस का, जिसे नेबुला या निहारिका भी कहा गया, वो बादल। तो यहाँ पर इनके पास आने से आपके क्या, गैलेक्सीज या हिंदी में आकाशगंगाएं या मिल्की वे जिसे कहा जाता है, दूधिया रास्ता, ठीक है ना। क्योंकि उनका झुरमुट क्लम्स जो है स्टार्स का, तारों का एक झुरमुट या इन बादलों का झुरमुट, वो सफ़ेद दिखता है, इसलिए उसे आकाशगंगा कहते हैं। तो यहाँ पर वो गैलेक्सी के रूप में इकट्ठा हो गया और यही गैलेक्सीज आर स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेज। अब बहुत सारा झुरमुट जो है बादलों का वो एक जगह, ऐसा ही कहीं दूसरी जगह भी, ऐसा भी कहीं और है, ऐसे बहुत सारे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस जो है सबकी अलग अलग, उस डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं बेटा लाइट ईयर से। देखिए सच वास्ट डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर, हिंदी में इसे बोलते प्रकाश वर्ष, मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है। ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए लाइट इन ए ईयर, या ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वन ईयर, एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर ये है एज द नेबुला ग्रोस, नेबुला यहाँ पर या निहारिका, ये यहाँ पर क्या था, वही बादलों का, ठीक है ना, एक समूह या बहुत सारे हाइड्रोजन गैस के जो बादल था वो, जैसे जैसे आपका नेबुला या आपका निहारिका जो ग्रो या मतलब बढ़ता गया, इसका साइज बढ़ता गया, वैसे वैसे जो ढेर है बादलों का वो भी बढ़ता गया, ठीक है, मतलब वही सारे जो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं वो भी बढ़ता गया और ये आपके कन्वर्ट हुए इनटू डेंस गैसियस बॉडीज, सघन गैस वाले बादलों में या समूहों के अंदर बनते चले गए और इसी से आपका निर्माण हुआ किसका, तारों का। तो हमने जो किया था यूनिवर्स का, तो बेटे आपके स्टार्स जो है तारों का जो निर्माण है वो आपका हो गया 5-6 billion years एगो, ठीक है, जैसे उसका 13.7 था तो ये आपका 5-6 billion years पहले इनका निर्माण हुआ था स्टार्स का। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो होगा आपका सोलर सिस्टम वाला, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।